अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम खाउसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले हम सॉस बनाएंगे। यहाँ पे मैंने हाफ कप दही ली है। अब इसमें 5 खाने के चम्मच बेसन डालेंगे। क्वार्टर टी स्पून हल्दी, 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर, और अब इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। एक देगची में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब इसमें हम दही और बेसन का मिक्सचर डालेंगे जो हमने ब्लेंड कर लिया था, और साथ ही इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 2 कप जितना। नमक डालेंगे हस्बे जायका, और अब हम इसको 2 से 2.5 घंटे तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। अब एक कढ़ाई में हम चिकन की ग्रेवी बना लेंगे। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब इसमें चॉप किए हुए प्याज डालेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। चिकन बोनलेस छोटा छोटा करके मैंने क्यूब्स में काट लिया था, वो डालेंगे। अब इसमें हल्दी, जीरा, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे हस्बे जायका, और ये मैंने 1 टीस्पून शान का कोरमा मसाला लिया है। आपके पास जिस ब्रांड का भी कोरमा मसाला हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने 2 टमाटर लेकर उनको ब्लेंडर में पीस लिया था, अब इसमें वो डालेंगे, और अब इसको 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। अब एंड में इसमें जाएगा हरा धनिया कटा हुआ। और 1 हरी मिर्च कटी हुई। सर्व करेंगे। सर्विंग के लिए यहाँ पे मैंने प्लेट में बॉइल्ड स्पेगेटी ली हुई है। अब हम इसमें अपनी कड़ी वाली सॉस डालेंगे जो हमने बनाई थी पहले। मैंने 3 टेबल स्पून डाली है, लेकिन आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें चिकन की ग्रेवी जाएगी जो हमने बनाई थी। थोड़ा सा ऊपर से नींबू का रस डालेंगे। अब इसमें चिप्स डालेंगे।
मैंने लेज़ मसाला डाली है, आपको जो फ्लेवर पसंद हो चिप्स में आप वो डाल सकते हैं। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। खाउसे हमारे तैयार हैं और इस डिश को आप ईद पे भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।